Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल Biz Analyst के साथ। फिल्मों में आपने स्पाइडरमैन को खूब देखा होगा, पर क्या असल जिंदगी में किसी को दीवार पर चढ़ते देखा है? पटना की ऐसी ही एक बेटी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दो लड़कियां दीवार पर स्पाइडरमैन की तरह चलते नजर आ रही हैं। लोग दोनों बहनों को स्पाइडर गर्ल का नाम भी दे रहे हैं। पटना की दो ऐसी बहनें जिन्होंने वो कर दिखाया जिसके लिए लोगों को महीनों प्रैक्टिस लग जाते हैं, पर ये बहनें पलक झपकते ही दीवार पर चढ़ जाती हैं। राजधानी पटना के दानापुर में 11 साल की अक्षिता और 9 साल की कृपिता दीवारों पर और घर की पाया पर इस कदर चढ़ती हैं जैसे स्पाइडरमैन बिना किसी सहारे के पाया पर चलता है। आप भी देखें इन दोनों बहनों अक्षिता और कृपिता का टैलेंट। दोनों बहन पटना के संत कैरेंस स्कूल की छात्रा है, जिन्होंने बिना किसी प्रशिक्षण के स्लाइडर मैन की तरह चढ़ना सीखा है। सुनिए क्या कहना है अक्षिता का इस बारे में। ये बताइए कि आप स्पाइडर मैन की तरह चल लेते हैं, कैसे ये सब कुछ सीखे? जब हम छोटे थे तो हमको स्टंट करना बहुत पसंद था, और स्पाइडरमैन के कार्टून सब में भी देखे थे कि ये लोग ऐसे स्टंट कर लेते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम खुद से ही ट्राई किए और थोड़ा बहुत चढ़ लेते थे। मम्मी पापा डांटते भी थे कि मत चलो गिर जाओगी, फिर भी ऊपर तक चढ़ जाते थे। जब मम्मी पापा नहीं रहते थे घर में, फिर भी खुद से ही ट्राई करके चढ़ते थे, और एक दिन हम पूरा ऊपर तक चढ़ गए। फिर मम्मी पापा को बुला के दिखाया। तो अपने से ही सब सारा? हाँ, खुद से ही सीखे हैं। इतना अच्छा लगता है कि तुम ये चल रही हो, पिलर चल रहे हो स्पाइडरमैन की तरह? अच्छा लगता है, और लंबा होता तो और लंबा भी चढ़ लेते हैं। और लंबा भी चढ़ लेते हैं? हाँ। ये कितना पिलर, अभी कितने इंच के पिलर पर चढ़ जाते हैं? 12 फीट का है। 12 फीट का? हाँ। डर भी लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है। कितना साल से कर रही हो? छोटे ही थे, 5 या 6 साल के, तब से कर रहे हैं। स्कूल में लोग जानते हैं इसको? नहीं, मेरी क्लोज फ्रेंड लोग ही ज़्यादा जानती हैं, और कोई नहीं जानता है। आगे और क्या करने का तमन्ना है? माउंटेन क्लाइंबिंग करने का मन करता है। हाँ, ट्रेनिंग मिलेगा तो करेंगे। वहीं छोटी बहन कृपिता ने बताया कि वह अपनी बड़ी बहन अक्षिता से प्रेरित होकर पिलर पर चढ़ना सीख रही हैं। दीदी करती थी तो दीदी से इंस्पायर हुए, दीदी चढ़ती थी तो देखते थे, तो फिर हम भी ट्राई किए, डांट भी पड़ता था, फिर चढ़ गए एक बार। तो तुम भी दीदी से सीखी होगी? हाँ। डर नहीं लगता? नहीं, अब नहीं लगता है डर। और मोहल्ले में सब कुछ जानता है इसको? हाँ, कुछ लोग जानते ही है। अच्छा, क्या आगे क्या सोची हो तुम? जैसे कि दीदी को मन है कि माउंट एवरेस्ट चढ़े, तुम्हारा? हमको डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर बनना है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? नहीं, उतना नहीं, ज्यादातर एंकरिंग में मजा आता है। अच्छा, और क्या क्या तुम करती हो स्कूल में? और स्कूल में स्टोरी टेलिंग सब में लेते हैं। किस क्लास में पढ़ती हो तुम? 4 क्लास में। और बताओ, कभी मन में डर लगा है जैसा कि अमूमन सबके साथ होता है, सबके माँ बाप कहते हैं, वैसे ही कुछ माँ बाप को ये काम जोखिम भरा लगा और उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। सुनिए क्या कहना है उनके माता पिता का। जब 3 साल की तकरीबन हुई तो इस पर रहते थे, हाथ रख के पिलर पर चढ़ने का प्रयास किए। 1-2 बार हम लोग मना भी किए, बच्ची चोट लग जाएगा, अब हम नहीं हैं तो पीछे में चढ़ने लगी, मैंने हमारे पीछे भी चढ़ने का प्रयास करती रही। फिर हमारे मित्र भी बोले कि भाई एक दिन घर में आया कि बेटी चढ़ रही, हम उसको मना कर रहे फ्रेंड के सामने, तो बोले कि चढ़ने तो देखो क्या कर सकती है। तो हमारा फ्रेंड ही उसको प्रमोट किया, जाओ बेटा कहाँ से चढ़ सकती हो, तो देखिए उस दिन वो सीलिंग टच कर दी। तो हम लोग को आश्चर्य हुआ, और ये तकरीबन 5 साल से नीचे की उम्र से ही चढ़ रही, उसका भी हम वीडियो क्लिप आप देखे होंगे। और उसके बाद ये कंटिन्यू प्रैक्टिस होने लगा। उस समय जब ये 6 साल की तकरीबन हुई तो बहुत लोग इसे मिलने के लिए आए, इसका पोस्ट हम लोग सोशल मीडिया पर डाले थे तो बहुत लोग देखने आए, फिर कुछ लोग हमारे परिचित के बाहर से भी आए देखने के लिए, आप लोग इसको आगे प्रमोट कीजिए। फिर ऐसा माध्यम हम लोग को उस समय नहीं मिल पाया, फिर पढ़ाई लिखाई बच्चे का नॉर्मल लाइफ हम लोग जीने लगे। अभी 1 मार्च को हम लोग जब बाहर शिवरात्रि में गए
तो वहाँ किसी अदर मैंने कि थ्रू मैंने हम लोग को लगा कि ये लोग को अब आगे लिंक मिल आगे करना चाहिए। ऐसे ही करते करते हर दिन उसका एक एक कदम आगे ऊपर तक बढ़ते चला गया। फिर जब मना करते थे बहुत दिन डांट लगाए कि कहीं ऊपर से स्लिप हो गई गिर जाओगी, तो बोलती थी नहीं चढ़ेंगे, लेकिन लगा कि अब मम्मी नहीं चढ़ने देगी तो हम लोगों के पीछे में चढ़ती थी। और फिर एक दिन अचानक से देखे कि काफ़ी ऊपर तक पहुंच के सीलिंग टच की और फिर वो रिवॉल्व कर रही थी पिलर के चारों ओर, तो बोला कि बेटा कैसे चढ़ी तुम, तो हंसने लगी। हम बोले आराम से उतरो जैसे चढ़ी थी, और फिर बोली पूछे उसको कि मेरे सामने अब चढ़ के दिखाओ कि तुम चढ़ी कैसे, तो पूरा वो दिखाई कि आराम से एकदम ऊपर तक चढ़ गई। तब से फिर हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ये कुछ एक्स्ट्रा कर सकती है, ऐसे चढ़ जा रही है। और बाई माइंड भी ये काफ़ी शार्प थी, कोई भी चीज़ है एकदम सबसे हटके करती थी। इसी तरह मेरी छोटी बेटी है तो वो भी अपनी दीदी को देख के बहुत इंस्पायर्ड हुई, फिर वो भी पिलर पे चढ़ना सीखने लगी। दोनों बच्चों के माता पिता को इन पर गर्व है और उन्हें यकीन है कि उनकी दोनों बेटी आगे चलकर हिमालय पर्वत की चोटियों पर चढ़ेंगी। बिहार की इन बेटियों पर हमें नाज है और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये बच्चियां खूब आगे बढ़ें और बिहार का नाम रोशन करें। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।